नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 24वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को संपन्न हो रहा है। मेले में हर दिन विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा का आयोजन भी किया जा रहा है। मेले में हर दिन पुस्तकों के लोकार्पण का सिलसिला भी जारी है। लेखक प्रेमपाल शर्मा की पुस्तक समीक्षा के प्रतिमान का भी इस विश्व पुस्तक मेले में लोकार्पण किया गया। किताबों पर मैंने पिछले 20-25 सालों में जो लिखा है उन्हीं में से चुनी हुई आलोचना और समीक्षा है। मुझे इसे सामने लाने की खुशी इसलिए है कि इन किताबों को अगर जनता को पता लगे, और वो पुस्तक के रूप में ही और आपके मीडिया के थ्रू पता लग सकता है, तो शायद लोग उनको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बाजार तक हिंदी की अच्छी रचनाएं कुछ कारणों से नहीं पहुंच पाती। यात्राओं पर आधारित काफी पुस्तकें इस मेले में देखी जा सकती हैं। इसी कड़ी में लेखक ओमा शर्मा की अंतर यात्राएं वाया वियना पुस्तक का लोकार्पण भी मेले के दौरान किया गया, जिसमें कई देशों की यात्राओं का विवरण लेखक ने बेहद रोचक तरीके से पेश किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति की ज़मीन पर पड़ी हुई हैं उनको बहुत धीरे धीरे संवार कर और अच्छी भाषा में प्रस्तुत करके शायद हम पाठकों को दें तो एक सांस्कृतिक चेतना उनके भीतर विकसित होती है और एक लेखकीय आनंद तो उसमें आता ही है। इस 24वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में काफ़ी पुस्तकें ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़कर हिंदी या अंग्रेजी भाषा के जरिए उर्दू सीखी जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ रामायण और कई ग्रंथ तो हिंदी और उर्दू भाषा में एक साथ देखे जा सकते हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।